तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई मुझे पता है यार व्लॉग बहुत ज्यादा दिनों बाद आ रहे हैं, लेकिन गाइस यार मैं आपको क्या ही बताऊं, भाई हमारे घर में कुछ पर्सनल इश्यू था वरना मैं आपको बता देता यार। उसकी वजह से इतने ज्यादा महीने गाइस यार एक महीने से हमने व्लॉग नहीं डाला है, शायद ज्यादा भी हो गए होंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन आज फिर से अभी व्लॉग आने वाले हैं भाई, वापस से फिर से आई एम बैक राइट नाउ। और गाइस यार आज मैं आपको भाई ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप सब फैन भी होंगे उस आदमी के, गाइस उसी कुछ चीज दिखाने वाले हूँ आपको। अगर भाई आपको नहीं पता तो चलो यार मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मेरा भाई उससे क्या रिलेशन है। तो भाई यार जो MC स्क्वायर है गाइस, MTV हसल 2.0 के विनर भाई, वो एक्चुअली में मेरे मामा लगते हैं। तो गाइस यार अभी तो मैंने आपको रिलेशन बता दिया, खैर यार जो चाची है ना हमारी चाची गाइस, जैसे तो मेरे मामा लगते हैं ना, तो गाइस चाची मामा लगते हैं हमेशा, मामा हमारे नहीं लगते। तो गाइस यार थोड़े दूर के मामा है, लेकिन जिनके असली में रियल मामा है गाइस उनसे भी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इसी व्लॉग में। तो भाई चलो यार आज हम उनका घर देखने आए हैं, एक नया घर उनका बन रहा है। और भाई यार इस घर पे ना भाई बहुत बड़ा मतलब घर बन रहा है 2 करोड़ की लागत के साथ। चलो गाइस यार मैं पूरा घर आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। भाई उधर की तरफ देखो मेरा घर है और इधर की तरफ MC स्क्वायर का घर है। भाई स्टार्ट तो लोन से करते क्योंकि भाई लोन या फिर पार्क सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है प्रॉब्ली एक घर में। तो भाई यार सामने देखो भाई 2 करोड़ का घर है, तो यार पार्क तो अच्छा भी बनेगा ही। यार देखो पीछे अभी आपको सामान फैला हुआ दिख रहा होगा, ये घर अभी इन कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पे अभी ये कुछ ही दिन में लॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाने वाला है। इस घर को लगभग बनने में 2-3 महीने लगेंगे। और होली के आसपास भाई MC स्क्वायर भाई से जब मैं मिलूंगा भाई, वहां का भी आपको व्लॉग आ जाएगा। MC स्क्वायर मेरे मामा लगते हैं। आप दोस्तों वैसे मैं घर के सामने खड़ा हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई घर कितना ओपी है ना, अच्छा है बिल्कुल। चलो अब अंदर जाके देखते हैं। इतने बड़े बड़े देखो पिलर्स बनवा रखे हैं गाइस, जो कि सीधा घर की हाइट तक जाते हैं। चलो गाइस अब मैं आपको अंदर से घर दिखाता हूँ। गाइस तो अभी यार आप देख सकते हो भाई घर दूर से कैसा लगता है, भाई बिल्कुल ओपी घर लगता है। देखो यार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अगर यहाँ पे इधर की तरफ देखो कितना अच्छा घर है ये। तो दोस्तों अभी अंदर चलते हैं। भाई जैसा कि यार आप देख सकते हो भाई कितना अच्छा लग रहा है घर, भाई बिल्कुल ओपी लग रहा है। दोस्तों अभी तो मैंने अपना फोन शिफ्ट कर लिया वाइड एंगल पे, भी आप देख सकते हो भाई कितना अच्छा घर लग रहा है बिल्कुल। भाई यार 2 करोड़ का घर है आखिर। गाइस हमारा भी घर कुछ कम नहीं है, हमारा भी घर सबसे ओपी है गाइस। लेकिन गाइस यार ये वाला भी घर बहुत अच्छा है, MC स्क्वायर भाई का घर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पे सीधा एंट्रेंस है, और भाई यार यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी बड़ी लॉबी है गाइस, यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रंट में सीधा आप देख सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों अब अंदर से जाके देखते इस घर को। चलो दोस्तों मैं एंट्रेंस से अंदर चलता हूँ। चलो दोस्तों अंदर आ गए, अब मैं आपको सारा घर दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है गाइस, इसलिए यहाँ पे इतना सारा सामान पड़ा हुआ है। लेकिन वैसे गाइस यहाँ पे देखो भाई मेन चीज तो यार ये है, देखो भाई TV लगाने के लिए, और यहाँ पे शायद गाइस यार रिविंग या फिर गेस्ट रूम बनने वाला है। दोस्तों अब मैं किचन में चलता हूँ। भाई यार ये पूरा जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे ओपन घर है, मुझे पता नहीं गाइस यार, हाँ किचन तो ओपन ही होने वाली है। भाई देखो यार कितनी शानदार किचन है, वैसे गाइस यार अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए आपको इतना बेकार लग रहा होगा, लेकिन भाई जब आएंगे ना यहाँ के गृह प्रवेश इनोग्रेशन में, उसके बाद मैं आपको MC स्क्वायर से मिलवाऊंगा, साथ के साथ पूरे घर में आपको फिर से दिखवाऊंगा कि क्या चीज किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो भाई उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। चलो भाई एक अब यार एक रूम के अंदर चलते हैं, और चलो भाई मैं आपको वहां पे दिखा दूं क्या हाल है। चलो दोस्तों कमरे के अंदर चलते हैं, किचन की साइड में एक कमरा। वाओ गाइस कितना अच्छा बेडरूम है भाई, देख सकते हो। वाओ गाइस अभी जो मैं देख रहा हूँ भाई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रूम है। चलो दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ। पीछे देख सकते हो बहुत ही शानदार विंडो है भाई, मतलब भाई बेडरूम में इतनी बड़ी विंडो, भाई जब पूरा हो जाएगा ना गाइस यार तब देखने में और ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ से खैर हवा तो अभी आ ही रही है। दोस्तों यहाँ पे आप पीछे मेरे देख सकते हो भाई कितना ज्यादा अच्छा भाई बेड है, काइंड ऑफ यार अभी रेडी नहीं है, लेकिन जब ये रेडी हो जाएगा भाई बहुत ही ज्यादा शानदार लगेगा। साथ के साथ यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी भाई ग्लास पेन,
अगर विंडोज लगी अगर ग्लास लगेगा तो यार हवा नहीं आएगी, वैसे अगर विंडो लग गई तो भाई बहुत ही ज्यादा ओपी होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली अंदर हुआ है वॉशरूम होने वाला है। यहाँ पे देखो भाई चेंजिंग कैबिनेट अभी खैर यार इनकम्प्लीट है। उस साइड में एक और रूम है, यहाँ पे भी चलते हैं। ओ गाइस वाओ, तो देखते हैं दोस्तों इस रूम के अंदर क्या है। लगता है मुझे अपने ज्यादा डिसीजन जो है ना चेंज करना पड़ेगा। ये भी रूम तक्का रखा है भाई, सही में बता रहा हूँ, मजाक सेट के। यहाँ पे देखो मेरे पीछे बेड है, लेकिन यार ये बेड पे ना सारे टूल्स भरे हुए हैं जिसको भी किसी को भी जिंदगी में चाहिए होंगे। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा यार ये जो टीवी के लिए होता है गाइस, तो यार ये टीवी वाला तो बहुत ही ज्यादा सही है, अच्छा है एक्चुअली। वह यहाँ अपना टीवी लगाओ भाई यार, आराम आराम से देखो। यहाँ पे पीछे बेड है यार, अपना लेटो मौज करो मस्ती करो भाई। और साथ के साथ देखो जो ऐसे दो विंडोज वाला कॉन्सेप्ट गाइस यार वो भी है इसमें, सेम टू सेम दोनों रूम टक्कर के है भाई। और साथ ही साथ यार ये जो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे जैसे देखो यार सनलाइट आती रहती है यहाँ पे भाई, देखो कितना अच्छा लगता है सनलाइट आने की वजह से। देखो दोस्तों यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी अलमारियां बनी हुई है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बहुत ही ओपी अलमारियां है यार भाई, यहाँ इस रूम का भी हाँ वॉशरूम टाइप ही बन रहा है, वॉशरूम या बाथरूम आप कुछ भी कह सकते हो भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा यार, ये दोनों ही रूम भाई सेम टू सेम है, नियरली भाई टक्कर के है यार। भाई देखो यार सेम कॉन्सेप्ट आपको पीछे भी मिलेगा, उस वाले रूम में भी, इस वाले रूम में भी। तो भाई यार मेरे दोनों ही फेवरेट है काइंड ऑफ। तो दोस्तों मैंने तो आपको यार ये वाला रूम दिखाया था सबसे पहला जो हमारा रूम था, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको लेके गया ये वाला रूम दिखाया। गाइस यार अभी तो यहाँ पे फिलहाल तीन रूम्स हैं नीचे के फ्लोर पे, लेकिन भाई वो सारे पॉसिबल नहीं है। आप जैसे कि भाई घर का हाल देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है अभी। बाद में भाई आपको सारे रूम भाई फुल टूर आएगा घर का, साथ ही साथ एम सी स्क्वायर। ड्राइवर के तुझे पैसे मिल रहे, कार के पैसे मिल रहे, फिर भी वाला एक्स्ट्रा मिल रहा है तो पता है अगला दिन नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों भाई सेकंड फ्लोर तो बहुत ही ज़्यादा भाई स्केरी है, वहाँ से नीचे गिरने का भाई बहुत ही ज़्यादा डर है। तो वैसे तो मैंने शूट कर लिया है, मतलब मेरे चाचा ने कहा इस, तो यार वो तो आपको सब देखने को मिल जाएगा। खैर यार मैं जल्दी नीचे वापस आ गया था।